सलाम व्यूअर्स, मैं हूं अवेस आजम और आप देख रहे हैं पीक टॉक्स। नाज़रीन, आज जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो ये कि जो हमारी नई नस्ल है उसको इस चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा नहीं रहा। पहले तो होता था, अब नहीं रहा। अगर मैं अपने आप को इंक्लूड करूँ तो मुझे भी इतना नहीं रहा जबकि मुझे भी होना चाहिए था। जी, आप मेरे बैक साइड में देख सकते हैं बुक स्टॉल्स। आज मेरा जो टॉपिक है बात करने का, जो मेरा मकसद है वो ये है कि हम किताबें कितनी पढ़ते हैं या किताबों से हमारा लगाव कितना है या कितना हम इंटरेस्ट लेते हैं बुक रीडिंग पे, या हम ज़्यादातर टाइम अपना स्मार्टफोन में गुजारते हैं, ज़्यादातर हम टाइम अपना लैपटॉप में गुजारते हैं या बाहर घूमने में गुजारते हैं, लेकिन बुक्स रीडिंग में हमारा कोई टाइम नहीं होता। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि बुक्स रीडिंग का जो स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पर कितने लोग हैं, और ये आप वीडियो देखकर खुद अंदाजा लगा लेंगे कितना लोगों में इंटरेस्ट है बुक रीडिंग का। आइए मेरे साथ, दिख रहे हैं कि यहाँ पर किताबें किस तरह से पड़ी हुई हैं। अकेले लोग बाहर हैं, मौजूद हैं, घूम रहे हैं, बैठे हुए हैं, खाना वीना भी कर रहे हैं, लेकिन ये कि जो इस बुक के लिए विजिट के लिए बहुत कम गिने चुने लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। मेरे ख्याल से अगर मैं गिनती फिंगरप्रिंट्स में गिनना चाहूँ, उंगली में गिनना चाहूँ, तो मैं उंगली में इसी काउंट कर सकता हूँ कि गिनती के लोग। देखा आपने कि यहाँ पर बहुत गिनती के लोग मौजूद थे। ज़्यादातर लोग जो है दूसरी जगह पर बैठे हुए थे, वो कुछ लोग घूमने आए थे, कुछ लोग खाने भी नहीं आए थे, लेकिन बुक की जो है रीडिंग के लिए और बुक देखने के लिए किसी ने जयबंद नहीं किया ना देखना। तो नाज़रीन, अब मैं टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। अब मसला ये है कि आपके हाथ में स्मार्टफोन है, आप बिल्कुल उससे बिल्कुल रीडिंग हो जाती है, उससे भी बहुत से कंटेंट निकल जाते हैं, टॉपिक्स निकल आते हैं, लेकिन मेरे तो मकसद है आपको बताने का, जो इसका एक बुक का एक मज़ा होता है, क्रंचपन होता है, ये जो आप सफ़र का एक मज़ा होता है वो स्मार्टफोन में नहीं आता। स्मार्टफोन के डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं, रेस के मसले होते हैं और बहुत से इशूज़ होते हैं, आपका सर में दर्द हो जाता है ज़्यादा स्मार्टफोन से देख के, अगर आप या लैपटॉप में देख के आप पढ़ रहे हैं, लेकिन किताबों का ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो हमें इसको बीइंग ए स्टूडेंट्स और हमें यहाँ पर इसको देखना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। मुझ समेत मैं आपको कहता हूँ कि हमें कम से कम भी एक घंटे बुक रीडिंग करनी चाहिए ताकि हमारी नॉलेज इंप्रूव हो। तो हमारे चैनल पिक टॉक्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलें तो बेल आइकन प्रेस कर दें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।